विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता व वरिष्ठ एनसीपी नेता अजित पवार ने दो टूक शब्दों में कहा कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। यह बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा में जयंत पाटिल के निलंबन पर शरद पवार ने नरम रुख अपनाने के लिए डांटा था। मंगलवार को अजित पवार ने नागपुर स्थित पत्रकार निवास सुयोग में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जयंत पाटिल के निलंबन की घोषणा के बाद हम सभी सदन से बाहर निकल गए। उसी वक्त एक फोन आया और किसी न्यूज चैनल वाले ने खबर चला दी कि पवार साहब ने मुझे फटकारा, जबकि पवार साहब ने मुझसे फोन पर पूछा कि सदन में क्या हुआ। लोग कुछ भी खबर चलाते हैं, उसके लिए मैं क्या करूं? अब क्या हर व्यक्ति के पास जाकर सफाई दूं? सदन में आप और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की क्या मिलीभगत है? इस पर अजीत पवार ने कहा कि क्या मैं सदन में फडणवीस के साथ कुश्ती करूं या फिर उनके साथ मारपीट करूं? जब पवार साहब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उनके सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, तो क्या वह मिलीभगत थी? जहां विरोध करने की जरूरत होती है वहां विरोध करते ही हैं। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।